पास में ही रायपुर एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर एक ट्रैक है, नाम लिखता है ऑफ रोडिंग ट्रैक है। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा आउटिंग्स ही कर रहे हैं, तो कुछ बातें कर लेंगे वहाँ के बारे में। तो जैसे कि बीच में हमने होटल को बेचने का मन बनाया था, तो बहुत सारी मतलब डील्स आई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब बेच नहीं दिए, क्योंकि डील अच्छी नहीं मिली। अगर डील अच्छी मिलती तो शायद मैं बेच देता, क्योंकि मेरा यूज़ नहीं था, यूज़ केस चेंज हो गया था शहर में आगे। और जब मैं गांव में था तो यूज़ था, ट्रैकिंग करता था, ट्रैवल करता ही था। तो अब ट्रैवल बहुत कम हो रहा है, दो गाड़ियाँ हैं, बाइक है, ड्यूटी जाना आना बस यही काम रहता है। तो अब जो है आगे डिसाइड करेंगे, गाड़ी को रखेंगे। तीसरा गियर प्रॉब्लम करता है जी इसका कभी कभार। तो ये है कि गुफा के जो प्रोस है, जो सबसे इसके मतलब इसके जो बेनिफिट्स इस गाड़ी को रखने के, वो सबसे पहले ये है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा वाहन है। इसकी जैसी सीटिंग पोजीशन मैंने किसी गाड़ी की देखी नहीं अभी तक। जितना मज़ा इसको चलाने में आता है, उतना और गाड़ियों को चलाने में नहीं आता। तो फिर तो मन ये हो रहा है कि आप डील अच्छी नहीं मिलेगी, नहीं बेचनी। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, आगे साइड आपको दिखाएंगे साइड में जाके। और गाड़ी का परफॉर्मेंस बीच में स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो मेरे देखे होंगे, उसमें काफ़ी मैं परेशान रहा इसको लेके, काफ़ी दिक्कतें आई इनिशियली, जो कंपनी की तरफ से भी था और वैसे मतलब कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि जब फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं होगा कोई गाड़ी में दिक्कतें आई, तो इसीलिए आई कि कभी स्टेयरिंग लीकेज हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आते रहे। बेयरिंग चेंज करें मैंने बहुत जल्दी, 16,000 में बेयरिंग चेंज हो गए, ज़्यादा इतनी ऑफ रोडिंग करी भी नहीं थी। तो उन सब चीज़ों को लेकर बाद दिमाग ऐसा हुआ कि अभी गाड़ी यूज़ तो हो नहीं रहा, और मैंने पूरा इसको ठीक सर्विस वर्विस करा के सोचा बेच देता हूँ। लेकिन इसके जो लवर्स हैं और इसके जो यूज़र्स हैं बहुत कम हैं शहर में, और कम लोगों को इसके बारे में जानते हैं, इस गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कैसी है क्या है। लोग सोचते हैं बहुत बड़ी है, ये है वो है, और ज़्यादा तेल पीती होगी ये, इसलिए बेच रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, तेल का कोई इशू नहीं है। जब आप चलाओगे तो तेल कोई भी गाड़ी पिएगी, पानी से कोई भी चलती, और गाड़ी बहुत दमदार जैसे कहते हैं, डोमिनेटिंग नेचर है गाड़ी का, और डोमिनेट करती है जहाँ भी मतलब हाईवे पे, उस पे जब इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो गाड़ी उस मामले में बहुत सेफ है। आप क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाते नहीं हो इस गाड़ी को, ना इसको तेज़ चलाने में मज़ा आता है, बस इसका स्नॉर्कल बसता रहे, गाड़ी चलती रहे, मज़ा आता रहे, बस हल्की खिड़की खोल दो, एक नंबर बने रहिए। मिलते हैं आगे। Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? भाई लोगों, अब हम चले आ गए हैं अपने स्पॉट पे, और ये स्पॉट हमारा है ऑफ रोडिंग का ट्रैक। देखो बहुत भयंकर चट्टान है ऊपर से, और गुफा हमारी चली तो जाती है, और थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है इस हाल का, नीचे ऐसे लगती नहीं है कहीं, जब बड़े पत्थर आ जाएंगे तभी दिक्कत होती है ऐसे, तभी दिक्कत ना आए ऐसे। ये सारी गाड़ियाँ आ गई जी, रॉक्स आ गई, वो आ गई, ये आ गई, पर गुरखा गुरखा है ऐसा, और स्मूथ स्टेयरिंग है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे घूमता है सिंगल हैंडल, स्टार्ट होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है इसका स्टेयरिंग। थोड़ा ऑफ रोडिंग में जब चलते हैं ना तभी इस गाड़ी का फील आता है, और हाईवे पे या शहर हाईवे करते हैं लोग। तो देखो ट्रक वो जनरली यहाँ पे लेता होता है, एम का काम भी चलता है, अच्छी साइड है,
और हमें टाइम की जो दिक्कत रहती है, टाइम नहीं रहता है, इसलिए कम आना जाना होता है। आज अनिरुद्ध और अनिश दोनों बॉस यहाँ पर आए हैं। अरे दिखाओ यार, ये हमारा तो ये हमारे अनिरुद्ध और अनिमेश पोनीटोज और का मजा ले रहे हैं। ये हमारे वो हैं, चुप रहे हैं। और जुल्खा यहाँ से लेके आ गए हम पत्थरों में, वो लिखा पड़ सकता हूँ। देखो नॉर्मल कार भी आई हुई है यहाँ पर नेक्सन नेक्सन। ये जिगरू हमारा। और मैं आज पैसों बनकर ये बनकर चेयर लेके आना यार अनिरुद्ध, और थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं अपनी चेयर और टेबल लेके आएंगे अगली बार से। लो थोड़ा बैठ लेना आराम से। सुंदर साइट यहाँ पर, लोगों ने टेंट लगा रखे, बहुत शानदार नज़ारा है। Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. जो वो बच्चे आए थे नहीं, ये नहीं, उन्होंने ये जो रबड़ है ना, ये साइड की बीडिंग, ये निकाल दी ऐसे खींच खींच के। ऐसे बच्चे ना, मतलब उनको देख के बड़ा वो लगता है दिल में ना, बड़ा दुख सा भी होता है। और क्या बताएं, मतलब हमारे देश के अंदर आज सब लोग इतने संपन्न हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो तरस रहे हैं एक अमरूद का टुकड़ा खाने के लिए। मैंने पहले 4-5 अमरूद ऐसे दे दिए, फिर क्या हुआ, एक भीड़ आ गई, फिर मुझे काटना पड़ा, फिर पीसेस उनको दिए ताकि वो बच्चे सारे सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ भाई हमने कुछ खाया। तो चलते हैं गाइस और इन्जॉय करिए, आप देखिए पूरा वीडियो, अच्छा लगे तो चैनल को
शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि हम ऐसे और वीडियो आपको देते रहें, और बने रहिए आगे, देखते रहिए आप रास्ता। इतना ख़राब है यार यहाँ पे। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे, हमने आज काफ़ी ट्रेल पार किए, कोई बहुत ज़्यादा गुरखा के लिए इतने हार्ड टफ तो नहीं थे, हार्डकोर तो नहीं था, लेकिन बहुत पथरीला रास्ता था। एक्चुअली इसके टायर पीछे वाला एक टायर थोड़ा उसमें कट लगा हुआ, उसमें मैंने ट्यूब डली हुई, तो मुझे डर था कहीं टायर मेरा फट ना जाए, पथरीले रास्ते थे, बहुत कठिन ट्रेल पे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे कि कठिन ट्रेल पे जो है ना हमने इसको चढ़ाया उतारा, मतलब दिस इज़ अ कैपेबल व्हीकल। थोड़ा सा कंट्रोल आर्म की प्रॉब्लम है कि वो कहीं उसको संभाल के ले जाना पड़ता है, कि बीच में तो 233 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है, 233 के आसपास, लेकिन जो उसके कंट्रोल आर्म है वो 190 पे है, मतलब एटलीस्ट लगता है कि जब बड़े पत्थर आ गए तो लग सकते हैं, तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है इसका। बाकी मज़ा आया बच्चों, आपको मज़ा आया नानू? मज़ा आया आपको? तो ये इनकी जिद थी कि आज पापा चलो चलो चलो, क्योंकि मेरी गाड़ी मैं इसलिए बेचने का इसलिए मूड बनाया था घर में, अबे रुक जा, एक छत में बैठा हुआ है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा बेटा जो है, बड़ा बेटा ये रहो छत में बैठा हुआ, लो ये छत में बैठा हुआ है, ये लो जनाब अमरूद खाया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मीठे थे, बड़ा मज़ा आया। थोड़ा सा स्नैक्स लिया था और एक दो कोल्ड ड्रिंक, वो फ्रूट जूस लिया था, कोल्ड ड्रिंक कम पीते नहीं है। करना है इसको बंद कर।